हेलो एवरीवन, आफ्टर सो मेनी लॉन्ग टाइम आज आप लोग सामने फिर से आ गए ब्लॉग करने। और एज यूजुअल आप जानते हैं, साथ में मेरा फ्रेंड हिमांशु और भीम, आप लोग तो जानते हो, काफी ब्लॉग में देख चुके हैं। बट एक पर्सन है जो नया आया, भैया क्या नाम है आपका? दिलीप सिंह। जो भी है, दिलीप भैया भी है साथ में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सिलीगुड़ी से हम लोग जाएंगे कहीं और। तो नया ट्रिप है, आप लोग काफी मजा आएगा। और ट्रिप स्टार्ट करें तो एक्साइटेड फॉर ट्रिप मैं होता अगर ये प्लान तो 10-15 दिन पहले बनाता। एक्साइटेड मैं हनीमून पैकेज बुक कराना, रेडी रहना चलेंगे अभी के अभी। कल निकलना है, कल चलना है। ये सब लड़का ऐसा है ना कि मतलब अच्छा वाला ट्रिप बनाओ, ते लोग नहीं, हम लोग जा रहे हैं गर्लफ्रेंड के साथ। गर्लफ्रेंड तो घूमने ही थे लोगों, फिर कहाँ जाना है भाई? तो कभी भी प्लान कर लेता है, सडन प्लान थोड़ी होता भाई, प्लान होता है सडन ही होता है। सडन ही प्लान अच्छा होता है, याद करो मंदा सडन वाले। एनीवेज अब आप लोग से थोड़ा मिलते हैं रास्ते में, तब तक के लिए गुड नाइट नहीं बोलते भाई, गुड इवनिंग जो भी है। स्टे ट्यून दादा, कैमरा चला रहा। पेट्रोल भरवाते हुए भाई लोग 105 रुपए लीटर दे रहे हैं हम लोग ट्रिप जाने के लिए। कौन दे रहा है? उसकी उदी की तरफ भी दिखा दो, कौन दे रहा है 105 रुपए? मोदी जी को पहले दिखा दो। मोदी जी को 105 रुपए में मोदी जी, देश का विकास नहीं विनाश हो रहा है। तभी भी आपको वोट देंगे ना, वोट फिर भी आपको देंगे। दोनों भी महंगा है। सुनिए, 500 रुपए लीटर पेट्रोल भरवाएंगे फिर भी वोट आपको ही देंगे। भले पैजामा घिस जाए पर वोट आपको देंगे। अंडर की चड्डी बिक जाए हमारी, हम जोकी से चाहे माचो पे आ जाए। उस दिन खाया था ना, कितना मोदी जी को दिखाओगे? मोदी जी ऑलरेडी फेमस है। मोदी जी नमस्कार, आपको बंगाल में आपका अगली बार स्वागत रहेगा दीदी। हाईवे से ही है साथ में। ये लड़का जस्ट बिकॉज चिप्स और आइसक्रीम के लिए इतना अच्छा, बहुत नाराज है। इतना अच्छा प्लेजेंट वेदर है कि अभी हम लोग जस्ट आइसक्रीम देख रहे हैं। रात को 12 बजे बंदा आइसक्रीम खा रहा है सब कोई। ना तो वो चम्मच ले ले ना, वो काट ले, खा ले। क्या हुआ? हमको कॉर्नेटो पिस्ता नहीं खिलाया है, वनीला खिलाया भाई। इतना हाई ऐसा आप देखिए, ऐसा रास्ता में जा कोई एक परिंदा नहीं मिला, आपके यहाँ पर आइसक्रीम मिल जा रहा, और क्या चाहिए साथ में वो परिंदे। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं, यहाँ से ट्रिप बिगिन करते हैं। तो लेट्स गो गाइस। फिलहाल अभी हम लोग फंसे हुए हैं ट्रैफिक पे, वो मतलब क्या ही बोले, पूरा इतना अच्छा। तो ऐसे ही मतलब ये गूगल इतना बकवास है कि जैसे तैसे गली में हम लोग को इंटर करवा दिया, फिर इसके बाद मेन हाईवे पर आए तो यहाँ पर हम लोग ट्रैफिक में फंस गए। आप देखे थे दूर दूर तक गाड़ी का नामो निशान है, चाहे यहाँ पीछे देखिए, हालांकि अंधेरा आपको समझ में नहीं आएगा, बट आगे और पीछे दोनों जगह हम लोग बीच में स्टक हो गए। क्या कि हम लोग गाड़ी छोड़ कर जा रहे हैं वहाँ चेक करने के लिए, देखना चाहते क्या हुआ है, थोड़ा देख लें। अभी जस्ट आप देख सकते हैं सुबह के 4:30 हो रहा है, और हम लोग कितना बजे निकले थे भाई? अभी कितना बजे हम लोग निकले थे? 8:30 बजे हम लोग निकले थे। कोई बात नहीं, होता है, वो क्लीन हो जाएगा। 8 बजे हम लोग निकले थे और अभी 4:30, मतलब बिना खाए पिए 8 बजे निकले थे। और ऐसा इतना गलत रास्ता में गूगल इतना गलत रास्ता में हम लोग को ले गया कि चल अपने ज़िंदगी में ऐसा रास्ता हम लोग कभी देखे नहीं होंगे। उसके बाद जैसे तैसे अभी सिलीगुड़ी से 100 किलोमीटर हम लोग पीछे हैं, मुश्किल से 4:30 बजे एक ढाबा मिला। रास्ता में एक भी ढाबा नहीं था, बट अभी मुश्किल से जो भी ढाबा मिला बस खाए, खा के हम लोग यहाँ से निकले। और एक लोग गाड़ी में है और दो लोग फ्रेश होने गए, और फिलहाल मैं यहाँ बैठता हूँ। हालाँकि ऐसे इतने रात में सुबह 4 बजे अगर कुछ भी खाने को मिल जाए तो बात ही अलग है भाई। तो अभी सुबह के बज रहे 5, और एक तो मुश्किल से ढाबा मिला, और बाय गॉड क्या बोले, इतना घटिया खाना बोलना नहीं चाहिए, बट इतना घटिया टेस्ट खाना था ना कि अपने लाइफ में ऐसा खाना नहीं खाए थे। बट बहुत जोरों का भूख लगा था तो बस एक रोटी खाएं, उसके बाद एक कॉफ़ी ले ली क्योंकि नींद आया है बहुत ज़्यादा। और मेरा दोस्त भीम है, उसको गाड़ी चलाना है, हिमांशु ऑलरेडी सो गया है तो अब वो गाड़ी चलाएगा, इसलिए उसको कॉफ़ी पिला रहा है कि एकदम नींद फटे, क्योंकि हम लोग 9 बजे तक जैसे करके हम लोग 9 बजे पहुँच जाए, 9 बजे सिलीगुड़ी पहुँचेंगे तो वहाँ इन लोगों का RT-PCR टेस्ट होगा सबका, उसके बाद वहाँ से हम लोगों को दार्जिलिंग आगे निकलना होगा। सो लेट्स सी, देखते हैं अच्छा होगा, मे बी, होप सो फार सो गुड। सो कैसा करा कॉफ़ी, तो अच्छा है? ठीक है, चॉकलेट लगा। तो रात का हम लोग ऐसे तो पूरा दिन करता बेकार ही हो रखा था, जर्नी ऐसा हो रखा था, बट उसके बाद अभी मॉर्निंग में जो खाना खाए वो खाना खाए या ना खाए बात बराबर था। उसके बाद अभी मैं जस्ट
ये ओट्स बिस्कुट और चाय पी रहे हैं बस पेट को शांति रखने के लिए। पेट को शांति रखने के लिए। अब जो भी है अब इतना थकावट है कि अब दार्जिलिंग जाएगा तो बस अब मसाज चाहिए मेरे को। अगर कोई मसाज नहीं मिला तो फिर भीम मसाज देगा मेरे को। ये नज़ारा देखने के लिए हमको लगता है कितना कोविड 2 साल के बाद अब माउंटेन पे आ रहे हैं और मतलब पहाड़ से ऐसा लगता है कि कुछ प्यार टाइप का आने के बाद अलग ही फीलिंग आता है। हालांकि अभी हम लोग दार्जिलिंग में धीरे धीरे इन कर रहे हैं, धीरे धीरे माउंटेन में क्लाइंब कर रहे हैं। बट क्लाइंब कहाँ कर रहे हो? क्लाइंब मतलब चढ़ना भाई, इंग्लिश वर्ड को समझो तुम लोग। ना ना, क्लाइंब मतलब कूदना होता है। क्लाइंब मतलब चढ़ना होता है, क्लाइंब मतलब। और आप लोग एक्साइटेड है ट्रिप के लिए मिस्टर भीम? जा रहा था पहाड़ देखकर कैसा लग रहा तेरे को? अरे पहाड़ आ गए क्या? वाह यार, ओवर एक्टिंग कब कर, ओवर एक्टिंग पब्लिक। यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं पहाड़ की वादियों में। आप देख सकते हैं सामने में, दिखाइए हमारे दर्शकों को। और ये है दार्जिलिंग की हरी भरी वादियाँ जो इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी हैं, अपनी बाहें खोल के हमें बुला रही हैं। और हमको लगता है कि पहाड़ पे तू पहाड़ को देख के एक्साइटेड है। नहीं नहीं, वी मेक फन देयर ब्रो। ये है टॉय ट्रेन, इसी में हम राइड करेंगे, हम लोग मजा आ जाएगा। इसी के चलते एक घंटे से हम लोग जाम में फंसे हुए हैं। अरे बहुत जोड़ों का एक नंबर लगा है, पर करेगा पता नहीं। हाय मारना यहाँ। तो इतने लंबे और हेक्टिक जर्नी के बाद हम लोग अभी जस्ट पहुँचे हैं। अभी कितने बज रहे हैं? अभी बज रहा है शाम के 4:15। हम लोग कल रात के 8 बजे निकले थे। अभी चेहरा और हेयर का आप लोग देखकर जज मत करिएगा, बहुत गंदा ही लग रहा है पता है। फिर आपको चलिए रूम टूर दे देते हैं। ये मेरा एंट्रेंस है, यहाँ से देखिए हॉल है, यहाँ टीवी है, ये फ्रिज है, यहाँ अपना डिनर सेट हो सकता है, ये सोफ़ा है, यहाँ पर फ्रेंड लोग साथ बैठ के चिलिंग कर सकते हैं, और यहाँ पर किचन है, और ये सब चाय कॉफ़ी बनाने के लिए, गर्म करने के लिए सब कुछ है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर सामने शीशा जो बहुत गंदा लग रहा है हम। उसके बाद ये है बाथरूम, एनी बट ओ अच्छा गया कोई। और ये है पहला रूम, ये रूम में बाथरूम है नहीं है, यहाँ बाथरूम में यहाँ से देख सकते हैं। ये है बाथरूम, अच्छा है रूम, अच्छा है और काफ़ी मतलब व्यू भी अच्छा लगेगा अभी आपको। एक रूम यहाँ है, अब इसके बाद इसके अपोजिट में यहाँ सामान रख सकते हैं। इसके बाद फिर एक रूम है, यहाँ से रूम एक और देख लीजिए, एक कबर्ड है कपड़ा वपड़ा रखने के लिए, यहाँ से भी व्यू देख सकते हैं। और ये गेट खोलते ही ओ हो भाई साहब, ये देखिए व्यू, व्यू जस्ट हमारे मेरे होटल के सामने व्यू देखते हैं। बहुत जोड़ों का भूख लगा है, अभी फिलहाल कुछ खाएंगे, खाकर सीधा अभी सोने वाले हैं। और चेहरा और बॉडी देखकर लग रहा है कितना गंदा वल्गर टाइप लग रहा है। तो फिलहाल अभी जा रहे हैं और रेडी हो रहे हैं, और रेडी होकर फ्रेश होकर आप लोग से मिलता था क्लिस्टे ट्यून। तो फर्स्ट क्लास फ्रेश हो चुका हूँ, और मेरे जो दोस्त लोग हैं मतलब आलसी अभी तक सोए हुए हैं, तो अभी हम जस्ट फ्रेश हुए, थोड़ा अच्छा लग रहा है। हालांकि ठंडा है यहाँ पर, टेम्परेचर बढ़ चुका है, आई थिंक यहाँ पर अभी टेम्परेचर है, जस्ट वेट वन सेकेंड। यहाँ पर अभी है 14 डिग्री, प्लेजेंट है, ओके मतलब ठंडा लग रहा है, इसलिए मैंने अभी स्वेट मतलब ये स्वेटशर्ट पहन लिया। और अभी खाना का ऑर्डर दिए हैं, खाना आ जाएगा तो खाए, बहुत जोड़ों का भूख लगा क्योंकि हम जब से निकले थे उसके बाद से कुछ ऑर्डर ही मतलब हम लोग कुछ खाए नहीं, और रास्ता में ऐसा हेक्टिक मतलब जर्नी हुआ। उसके बाद जो ढाबा में रुके वो ढाबा का खाना भी पसंद नहीं है, मेरा ये मानना है जब तक तो मेरे को खाना अच्छा नहीं लगता नहीं, हम वो खाना मतलब ज़्यादा खाने चलते, एक रोटी खाए थे और वही खाया हुआ फिर वहाँ कलकत्ता से लेकर अभी तक हम यहाँ हैं। लैपटॉप खोलेंगे, जो भी ये वीडियो फाइल है इस पर सब ट्रांसफ़र करेंगे, अब एडिटिंग करेंगे, उसके बाद अब जो भी है ब्लॉग एडिट करके आपको कल या परसों में मिल जाएगा, अगर इफ़ यहाँ पर वाईफाई नेट अच्छा रहा तो। शाम को यहाँ पर चाय लेकर बैठ जाएंगे आराम से ऐसे, और बैठ कर मस्त चाय पीएंगे रात को, एकदम मस्त क्लास और या व्यू का नज़ारा लेना है। अभी जा रहा है, ये वीडियो ट्रांसफ़र करेंगे एडिटिंग, और ये वीडियो भी ट्रांसफ़र कर जैसे ट्रांसफ़र करें ये वीडियो यहीं पर एंड करेंगे, उसके बाद ही अभी नया ब्लॉग फिर स्टार्ट हो जाएगा। और तो ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, जैसा भी हो आया हो अच्छा लगा हो। ये लाइट ज़्यादा रोशनी नहीं दे रहा है, बट कोई नहीं, सो फार सो गुड। जो भी है ब्लॉग को अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम मैंने के तौर को फॉलो ना बोले बस।